मैंने YouTube क्यों छोड़ा? आप मेरे चैनल पर देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं होती, मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। आप रेगुलर अगर मेरे व्यूअर हैं, मुझे जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं लगभग 8 से 10 महीने से, यानी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मतलब एग्जैक्टली 11 महीने से रेगुलर यूट्यूब पर काम किया हूँ। एक भी दिन गैप नहीं लिया हूँ। 300 प्लस वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। अभी के टाइम पर आप जाकर देखोगे तो 292 वीडियो हो चुका है, एंड इस वीडियो को लेकर 293 वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। एंड सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो 600 सब्सक्राइबर्स अभी के टाइम पर एग्जैक्टली है, ठीक ना। अब ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर मैंने जब 10-11 महीने से रेगुलर काम किया, 300 वीडियो अपलोड कर दिया, फिर बीच में मैंने अचानक से वीडियो अपलोड मतलब कि करना बंद क्यों कर दिया। इस प्रकार से देखिए, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि आखिर मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ। देखो आज के दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं सच में यूट्यूब छोड़ रहा हूँ या फिर मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ। सब कुछ आज की दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, एक एक करके मैं सब बता रहा हूँ, ध्यान समझना। देखिए, मैंने आज तक YouTube पर अपने लाइफ में जब तक से मतलब YouTube पर इस चैनल पर काम करना स्टार्ट किया हूँ, कभी गैप नहीं लिया हूँ। मतलब हमेशा पूरे दिन पूरे रात बस YouTube के बारे में सोचना, वीडियो बनाना, कौन सा टॉपिक कल बनाना है, क्या बनाऊंगा तो लोगों को पसंद आएगा, इस चीज़ पर मैंने पूरा का फुल मतलब फोकस के साथ काम किया हूँ। बट मुझे मेरे चैनल पर अगर अभी के टाइम पर जाकर देखोगे तो YouTube का जो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, धीरे धीरे करके नीचे ही आ रहा है, एंड ये चीज़ मैंने नोटिस किया, ठीक ना। कुछ टाइम पहले व्यूज आता था काफ़ी अच्छा खासा, अभी के टाइम पर तो पूरी बर्बाद ही हो चुका है। अब उसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, मैंने उनको फॉलो किया, उनके वीडियो को देखा, इनफैक्ट जितने मतलब जिसके मतलब चैनल पर मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, मैं उनके वीडियो को देखा, जितना भी कुछ बताते हैं, अभी के टाइम पर अगर आप किसी भी बंदे के यूट्यूबर में जाकर देखते हो तो वो लोग क्या बताते हैं, तुम बस एक ही कैटेगरी में, मतलब कोई भी मिक्स कंटेंट मत करो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, वीडियो क्वालिटी सब कुछ बेस्ट करके दोगे तो लोग तुमको सब्सक्राइब करता है, एंड यूट्यूब भी खुद सपोर्ट करता है, यही बताते हैं सभी लोग। एंड मैंने इस मतलब चीज़ पर बहुत फोकस किया हूँ। अगर मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो मेरे चैनल पर थंबनेल वीडियो का देखोगे, वीडियो क्वालिटी देखोगे, बोलने का स्ट्रेटेजी हो गया, मतलब टाइटल, टैग सब कुछ बेस्ट करके मैं अपने से खुद अपलोड किया हूँ, 300 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर देखोगे तो, ठीक ना। लेकिन मेरे चैनल पर व्यूज देखोगे तो अब मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक ना दोस्तों। इस चीज़ को लेकर मुझे ना मतलब ऐसा हो गया है कि डिमोटिवेट सा हो रहा है, मतलब मैं अब वीडियो बनाने का मूड ही नहीं कर रहा, सच बताऊँ तो। जब भी मैं वीडियो बनाने चलता हूँ तो मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ आ जाता है ना, भाई व्यूज तो आ ही नहीं रहा है, एंड पूरी डिमोटिवेट हो चुका हूँ, सच बताऊँ तो। इनफैक्ट मैं किसी के चैनल पर देख रहा हूँ तो किसी के चैनल पर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो कुछ भी नहीं बताता है, उसके चैनल पर 200-300 व्यू आ रहा है। यार, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे चैनल पर 100 व्यू भी आ जाता है ना, मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ, 100 व्यूज पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि आप पूरे दिन यूट्यूब पर काम कर रहे हो, 10 महीने से काम कर रहे हो, एंड 100 व्यू भी नहीं आ रहा है, क्या होगा आपके माइंड में? अगर मान लो किसी तुम चीज़ को पाने के लिए फुल फोकस के साथ काम करते हो एंड वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलती है ना, सच में कोई बंदा टूट जाता है। एंड मैंने YouTube पर 11 महीने से रेगुलर काम किया, एक भी दिन गैप नहीं दिया, पूरे दिन पूरे रात काम करता था, सच बताऊँ तो। अभी के टाइम पे तो काम करना बंद ही कर दिया हूँ, एंड मैं सच में बताऊँ तो YouTube को मतलब एक तरह से छोड़ने ही वाला ही हूँ। हो सकता है कि यही मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आए, सच बता रहा हूँ। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर सब लोग यही बताते हैं कि तुम रेगुलर काम करो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ बेस्ट करके करोगे तो 100% तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा। बट कुछ नहीं होता है, सच बताऊँ तो। मैंने खुद YouTube पर काम करके देख लिया। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी के टाइम पे जो भी यूट्यूबर वीडियो बना रहा है कि वीडियो अपलोड करने के बाद 2 घंटे बाद ये काम करो, 3 घंटे बाद ये काम करो, 2 दिन बाद ये काम करो, कुछ नहीं होता है, सब कुछ मैंने करके देख लिया हूँ। एंड फिर भी उनके चैनल पर जाकर देखना व्यूज कितने आता है, 1000 व्यू आते हैं, इनफैक्ट किसी की वीडियो में तो 100,000 में व्यू आ रहा है। पता नहीं क्यों उन लोगों को मतलब लोग वीडियो देखना चाहते हैं, भाई सभी को पता है कि वीडियो अपलोड करने का 2 घंटे बाद कुछ नहीं होता है। एंड जो बंदा जेन्युइन कंटेंट देता है, जो बंदा जेन्युइन कुछ सिखाने की कोशिश करता है ना, कोई नहीं सपोर्ट करता यार। लोगों का ऐसा लगता है ना कि हम इसके वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इसका एक व्यूज बढ़ जाएगा, अगर हम इसका एक सब्सक्राइब कर देंगे तो इसका सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, एंड इस चीज़ को लेकर के कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता है, सच बताऊँ तो। एंड ये हमारा जो टेक कैटेगरी है ना, मैंने ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने इस कैटेगरी में आकर के। यार, कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन सपोर्ट भी तो करना चाहिए लोगों को, बट ऑडियंस ही सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या बताऊँ मैं। एंड मैंने इस चीज़ को लेकर के सोच लिया फाइनली कि मैं YouTube को छोड़ दूंगा अगर सपोर्ट नहीं मिला तो। अगर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे रेगुलर व्यूअर अगर जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे जरूर सजेशन करना कि आप मुझे सच में YouTube छोड़ देना चाहिए या फिर मैं इस चैनल पर काम करूं। तो मैं देखो, अगर इस चैनल पर मैं काम भी करूंगा तो कुछ नया तरीके से काम करूंगा। अब मैं YouTube टिप्स तो नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है, नहीं दूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। पूरे दिन YouTube पर काम करो, पूरे दिन काम करो, पूरे रात काम करो,
वीडियो एडिट कर लो, पूरे माइंड में सोचते रहो कौन सा वीडियो बनानी है, कौन सा टॉपिक लेकर आना है, बट उसके बाद ही व्यूज इतना ही मिलेगा तो कौन काम करना चाहेगा? शायद नहीं हो पाता है, सच बताऊँ तो किसी भी बंदे से नहीं हो पाएगा। जब 300-400 वीडियो अपलोड कर दो एंड वहीं मतलब 100 व्यू भी नहीं आ रहा है, 100 व्यू क्यों नहीं आ रहा, यूट्यूब खुद ही बूस्ट नहीं कर रहा है। तो सॉरी मतलब कि वीडियो को थोड़ा सा बीच में कट करना पड़ा, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा सा वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक ना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैं हेडफोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरा थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक ना। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ अभी के टाइम पर, अगर मेरे चैनल पर मैं एक दिन का इंप्रेशन आपको बता दूँ, तो पूरे दिन में मेरे वीडियो का मतलब किसी भी वीडियो का पूरे दिन में सिर्फ 200-300 लोगों के पास इंप्रेशन भेजता है यूट्यूब। अब आप ही लोग बताना कि अगर आप पूरे दिन में मेहनत कर रहे हो, पूरे टाइम से यूट्यूब पर काम कर रहे हो, पूरे फोकस के साथ यूट्यूब पर काम कर रहे हो, एंड वीडियो का इंप्रेशन अगर 200-300 लोगों के पास जाएगा तो कहाँ से ऑडियंस सपोर्ट करेगी? ठीक है, ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती, अगर यूट्यूब सपोर्ट करता है, इंप्रेशन भेजेगा तभी तो वीडियो पर व्यू जाएगा, लेकिन इंप्रेशन ही नहीं बढ़ रहा है चैनल का। पता नहीं मतलब मैंने क्या गलती कर दिया हूँ, क्या मैंने लोगों को फेक चीज़ बता दिया हूँ, मतलब कि यूट्यूब ही खुद सपोर्ट नहीं कर रहा है, कैसे भाई मैं अपने चैनल पर काम करूँ? अगर पूरे दिन का इंप्रेशन 200-300 लोगों के पास जाएगा तो उसमें से 10% मतलब 2% ऑडियंस सपोर्ट करती है। आपको पता होगा कि जितना इंप्रेशन आता है आपके मतलब इंप्रेशन के अनुसार मतलब पूरी की पूरी ऑडियंस जो है 2-3% ही सपोर्ट करती है। एंड ऐसे में अगर मैं 200 का 2% निकालूँ तो कितना मतलब आ गया, समझो कि यहाँ पर 2-4 व्यू ही आएगा, कैसे भाई सपोर्ट करेगा यूट्यूब? मतलब खुद यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता, ऑडियंस क्या सपोर्ट करेगी? एंड इस चीज़ को लेकर ना मतलब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, वीडियो शूट भी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर छोड़ देना चाहता हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ अब भाई, मेहनत हमेशा मैं करना चाहता हूँ, पहले भी करना चाहता था एंड अभी भी मैं यूट्यूब पर मेहनत करना चाहता हूँ, बट सपोर्ट मिले तब तो। एंड इस चीज़ को लेकर मुझे मतलब कि वीडियो बनाने का मूड ही नहीं कर। बाकी अगर आप एक मुझे मतलब रेगुलर व्यूअर है या फिर आप मुझे देख रहे हैं तो अपना सजेशन जरूर देना कि मुझे इस चैनल पर ही काम करना चाहिए या फिर मुझे एक न्यू चैनल बना लेना चाहिए, ठीक ना। बाकी आप लोग जैसे कमेंट करोगे ना उसी के अनुसार मैं काम करूँगा, क्योंकि भाई आप लोग अगर मेरे वीडियो को नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, फिर सिंपल सी बात है, आप मेरे ऑडियंस हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपना सजेशन जरूर दे देना, ठीक ना। बाकी अगर मैं इस चैनल पर काम भी करता हूँ तो कुछ नए तरीके से काम करूँगा। अब ये यूट्यूब टिप्स जो हो गए, ट्यूटोरियल हो गए, इस चैनल पर तो मैं नहीं काम करने वाला इस तरीके से, क्योंकि मैंने इतना काम करके बहुत देख लिया, ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। बाकी दोस्तों अपना राय कमेंट में जरूर बता देना। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था एंड आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हाँ चैनल पर नया है तो थोड़ा सपोर्ट कर देना, ठीक ना। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।